स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एम अमित वरी द किलोर वी आर डूइंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि हमारे यूपीएससी uh, के सिलेबस का पार्ट है बोथ इन प्रिलिम्स एंड द मेन्स नाउ ऑलरेडी नो अबाउट द इंस्ट्रक्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट दर आर थ्री बुक्स दैर आर गोइंग टू टेक टू डू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारा जो सबसे पहले फोकस होगा द फर्स्ट लर्निंग पॉइंट वुड बी दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच इज कॉल्ड इज द ओल्ड एनसीआर ये ओल्ड एनसीआर टी हमारा पहला फोकस होगा यहां से हम करना स्टार्ट करेंगे ओके okay. उसके बाद एक कॉमन रेफरेंस बुक है जो कि यूपीएससी के स्टूडेंट यूज करते हैं दट इज द स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन दोनों में फर्क क्या है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एनसीआर है विच इज द बेस ऑफ द यूपीएससी सिलेबस एंड जो स्पेक्ट्रम है विच इज मोर ऑफ अ नोट्स ऑफ अ पर्सन राजीव वही जो कि आईपीएस है उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल बुक्स के द्वारा मल्टीपल बुक्स में से नोट्स बनाए और उसको बेसिकली फाइनली एक बुक में कंपाइल कर दिया गया दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम नाउ जो कि एक अच्छा रेफरेंस बुक है हावेवर द ओनली प्रॉब्लम विद द स्पेक्ट्रम इज दैट कि इट इज इन दॉट नोट्स फॉर्मेट बेसिकली ये तो यहाँ से याद करना चाहिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एनहेंस इफ यू रियली वांट टू इंश्योर कि आपको सारी की सारी लर्निंग कंप्लीट हो जाए हिस्ट्री पूरी की पूरी तरह आए वो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है इससे आएगी इसको पढ़ने के बाद इसको समझने के बाद वेन वी विल यूज दिस एज ए रेफरेंस एज ए रिविजन बुक इट वुड बी मच मोर एडेड इट विल हेल्प इसके बाद एक थर्ड न्यू एनसीआर टी कहते हैं थीम्स इन इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट थ्री के नाम से न्यू एनसीआर इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दी हुई है नाउ दिस इज आल्सो नेसेसरी स्पेसिफिकली ओनली बिकॉज क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देर आर फैक्ट्स डेटा प्रिलिम्स में मेंस में जो क्वेश्चंस है वो स्पेसिफिकली उन चीजों से पूछे गए हैं जो कि इस एनसीआरटी में इस एनसीआरटी में मेंशन है सो दीस आर द थ्री बुक्स व्हिच वी नीड टू कवर नाउ स्पेसिफिकली हमने पहले जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो ये सीरीज है उसमें हमने एक सीक्वेंस में जो पहले वाले सारे लेक्चर थे वो हमें 1750 के बाद से लेके 1850 के एप्रोक्सीमेटली जो ब्रिटिश इंडिया ना ब्रिटिश यानी कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी विच वॉज द ट्रेडिंग कंपनी ऑफ द ब्रिटेन उन्होंने कैसे इंडिया को रूल किया हाउ डिड दे एक्चुअली स्टार्टेड कंट्रोलिंग द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान इंक्लूडेड दैट इज द होल प्रोसेस जो कि हंड्रेड ईयर्स में कंप्लीट होता है इसके अंदर एक सिंपल प्रोसेस है कि जो रीजनल पावर्स थी जैसे कि बंगाल की मैसोर की uh, अवध की uh, उसके बाद मराठास की सिंध की और पंजाब की ऑल दोज वर रीजनल पावर्स इन इन दो हंड्रेड ईयर्स एंड हाउ दे वर सबसिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली डिफीटेड बाई द ब्रिटिशर्स नउ वी हैव ऑलरेडी डन दैट आज हमारा जो फोकस होगा विल बी डूइंग द रिवोल्ट ऑफ द एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन ऑफ़ फिफ्टी 1857 के बारे में अगर हम अपनी जो तो मैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको शेयर कर देता हूं आई जस्टर इट ऑन टेलीग्राम राइट नाउ तो आपको अगर पीडीएफ की जरूरत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तो आप यहां से ले सकते हैं सो हैल सोन जो है

प्रॉब्लम्स क्या थी स्पेसिफिकली व्हाई डिड पीपल रिवोल्ट अगर हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस समय श्रीलंका में एक रिबिलियन uh, चल रहा है एक रिवोल्ट चल रहा है द कॉमन पीपल आर एंटरिंग द प्रेजिडेंशियल ऑफिस एंड द प्राइम मिनिस्टर होम और वो वहाँ से प्रेजिडेंट भाग चुके हैं में एक रिवोल्ट हुआ है वो रिवोल्ट क्यों हुआ है ये समझने के लिए हम पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन थे वाई वर पीपल सो डिस की बेसिकली उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट डलहाउजी अठारह uh, सौ तक uh, 1849 से 1849 से 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली exactly एक साल पहले वो गवर्नर जनरल है तो जो प्रीसीडिंग छः से सात साल थे उन्होंने क्या क्या, क्या किया दैट वुड प्रॉबेबली बिकम द रीजन जिस वजह से रिवोल्ट हुआ होगा एंड देन वील कंटिन्यू विद द चैप्टर उसके बाद रिलीजन से एसोसिएटेड कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से रिवोल्ट होता है एंड सो ऑन एंड ऑन ठीक है द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द मूटेनिंग ऑफ द कंपनी सिपॉय जब हमें पता चल जाएगा कि रीजन क्या क्या हैं रिवोल्ट के देन वी विल एक्चुअली गो कि भाई रिवोल्ट हुआ कहां कहां पे है वन डिड इट स्टार्ट हाउ डिड इट स्टार्ट हु पार्टिसिपेटेड इन इट कौन कौन उसके लीडर्स थे ठीक है ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है ओके फाइन वी आर गुड विद दैट एंड देन देर आर ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट्स हैं हिस्टोरियंस के कमेंट हैं वट वॉज द इमीडिएट कॉज आखिर एग्जैक्टली exactly वो स्पार्क कौन सी थी जिसकी वजह से जो बारूद इतने दिनों से धमक धमक रहा था वो बेसिकली फट गया ओके द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट है उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट करेंगे एंड सो ऑन एंड ऑन देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रॉ सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट कहां कहाँ पर दिल्ली कानपुर लखनऊ बरेली झांसी अरहा बिहार में ये वो जगह है जहां जहाँ पर रिवोल्ट हुआ था मतलब कि पूरे इंडिया में नहीं हुआ था देर और सर्टन प्लेसेज जहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर एक्टिविटी थी रिबिलियन एक्टिविटी थी ओके बहादुर शाह टू ओके द पी डी एफ डज गिव दी फोटो आई डोंट थिंक सो वी कैन एक्चुअली मेक आउट एनी आउट ऑफ इट

राइट right? एटलीस्ट आपको 1857 रिवोल्ट में तीन नाम तो आपको डेफिनेटली याद है मंगल पांडे यू हैव ऑलरेडी सीन द मूवी फॉर इट लक्ष्मी बाई यू ऑलरेडी सीन द मूवी फॉर इट और ये दोनों की दोनों मूवी में तांत्या टोपे का भी मैंशन होता है तो आपको इनके बारे में पता है एंड इन केस इन स्पेसिफिकली केस अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने कभी नहीं सुना है कौन से स्कूल में अफ्रीका के, के स्कूल से पढ़ के आए हो रानी लक्ष्मी बाई एवरीबडी नो अब रानी लक्ष्मी बाई सो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी मतलब इट बी सरप्राइजिंग है एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट वट इज रानी लक्ष्मी बाई के दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन है और अगर आपको रानी लक्ष्मी बाई नहीं पता था यू नीड टू गो एंड कॉल बैक टू योर स्कूल्स की शायद हमने नेपाल से एजुकेशन कर ली है मे बी दिस इज वट द मिस्टेक इज हम पढ़ेंगे उसके बाद रिवोल्ट के बारे में एंड सो ऑन एंड ऑन अंडरस्टैंड अब नाउ वी नो ऑब्वियसली इन रेट्रोस्पेक्ट तो हमें पता ही कि रिवोल्ट फेल हो गया था ठीक है रिवोल्ट फेल हो गया था यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कंट्रोल में उस समय इंडिया हुआ करता था उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर एबल टू सप्रेस इट सो एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन का जब रिवोल्ट आता है एंड लेट सी दी स्पेक्ट्रम ऑल्सो स्पेक्ट्रम में भी किस कॉन्टेक्ट uh, में दिया हुआ है द सिमरिंग डिसकंटेंट यानी कि रिवोल्ट तूफान के आने से पहले की जो शांति होती है कि भाई पहले से ही डिसकंटेंट बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स के आगे 1857 हंड्रेड के मेजर कॉजेज बताते हैं एक तो इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से प्रॉब्लम हुई थी एंड देन देर वर पॉलिटिकल कॉजेज देन देर वर एडमिनिस्ट्रेटिव सोशो रिलीजियस सोशो रिलीजियस देर वर आउटसाइड इवेंट्स एंड जो सिपाही जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिसकंटेंट था ज दर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड सेक्टिव रिवोल्ट होता क्यों है किस वजह से हुआ था दूसरा फिर बिगनिंग एट द रिवोल्टिल अंडरस्टैंड की रिवोल्ट कहा था स्पार्क किस वजह से स्टार्ट हुआ था मेरठ मेरठ में स्टार्ट हुआ था नाउटल्टिव इन्फॉर्मेश रिमेबर इट बहादुर शाह उस समय के जो मुगल एम्पर थे सिंबॉलिक सिविलियंस सिपाहियों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था बट उसके बावजूद सिविलियंस ने भी बेसिकली ज्वाइन कर दिया था स्टॉम सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट कहां कहां पर रिवोल्ट की जो एक्टिविटी थी वो सबसे ज्यादा थी एंड हु पीपल लीडिंग इट लाइक रानी लक्ष्मी बाई ता नाना साहेब ऑल दो पीपल बेगम हजरत महल इन सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एंड

अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वोल्ड मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है विच आई बिलीव दैट इज वाई यूर वॉचिंग वीडियो कि आपको एक्चुअली भी करनी है राइट right? तो यूपीएससी प्रिलिम्स और मेन्स के लिए एंड मी पुट इट वेरी माइल्ड इंडिया की जो सबसे अफोर्डेबल जो सबसे बेस्ट अफोर्डेबल कोचिंग है दैट इज डन बाई दी आई क्यू बिलीव मी ऑर नॉट स्टडी आई क्यू का यूपीएससी का प्रिलिम्स और प्लस मेन्स का जो लाइव बैच है ट इज दाइक द क्लासेस उसमें लाइव होती है यू कैन इंटरेक्ट विद दी टीचर्स यू कैन हैव योर वन टू व मेंटरशिपिपिपिपिप यू विल गेट दी प्रिम्स टेस्ट सीरीज इन दट यू कैन हैव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद डेट आपको स्ट्रेटी सेशन दिए जाएंगे ऑल दैट वो सिर्फ और सिर्फ अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में दट इज लाइक ओनली एटीन थाउंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज फॉर एटीन मंथस ओके दिस कॉस्ट फॉर एटीन मंथ्स यानी आपके पूरी अठारह मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है वो एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन नाइन है ना द कोर्स बिगे ऑन दिलेवन ऑफ जुलाई बट द एडमिस्ट आर स्टिल ओपन इट्स मॉर्निंग बैच सुबह आठ बजे आपकी क्लासेस

अगर आप यूपीएससी के कोर्स uh, में जाते हैं लेट्स गो गो यू टू द यूपीएससी कोर्सेज एंड दिस इज वेयर द लाइव फाउंडेशन बैच यू कैन इजीली फाइंड आउट ठीक है तो ये आपको मॉर्निंग बैच अगर आपको सुबह आठ बजे की क्लासेस चाहिए तो आप जाइए नाउ यूल इजिली यूर मी क्वेश्चन सर यूर इट इज बेसिकली एटीन यहां पर पच्चीस रुपए लिखा हुआ है देखो जब आप इसको बाय नाउ करते हो तो यहां पर जो प्रोमो कोड का को ऑप्शन है यहाँ पे आप अमित लाइव एंटर करोगे ए एम आई टी एल आई वी यू एंट अमित लाइव यू अप्लाई इट नाउ इट इज एटीन थाउजेंड नाइन हंड नाइन नाइन बिना कोड के भी आप ले सकते हो लेकिन बिना कोड के अगर आप लोगों तो को पच्चीस हजार पांच सौ रुपए पे करने पड़ते हैं However, अगर अगर आप कोड यूज करते हो अमित लाइफ का सो यू जस्ट गो बाय नाउ सिक्स रुपी का डिस्काउंट हो जाएगा एंड दैट विल ओनली बी एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनली स्पींग नाइनटीन थाउजेंड रूपी आई ठीक है एंड देन यू कैन पे देर आर सेवर वेज डू इट सो इफ यू वॉन्ट प्रिपेयर फॉर द इट द मोस्ट अफोर्डेबल वन ज ऑब ऑन इंस्टाग्राम चलिए आज हम पढ़ते हैं रिवोल्ट एटीन फिफ्टी सेवन के अच्छा और जो ये कोर्स है लाइफ फाउंडेशन बैच जो है सुबह आठ बजे वाला इसके अंदर आई टीच हिस्ट्री ओवर देयर मॉडर्न इंडिया मेडिवल इंडिया एंड देंट इंडिया एंड सर्टन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी टू सिक्स दी आर्ट एंड कल्चर भी हम बेसिकली एंशेंट और मेडिवल में से कवर करेंगे बैच हैफी क्लासेस चल रही है Uh, the next year prelims is on the 20th of may i don't think so you want to delay it any further you should actually uh, be in the classroom right now till then before that i'm actually modern indian history ko complete karte. it's a very simple process the revolt of 1857 so story of simple dekhiye हमने पहले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि 1757, हंड्रेड फिफ्टी सेवन विच इज बेसिकली डेट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी इज कॉल्ड इज द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल ओके दैट वी नो वी आर डन विद दैट वहां से ब्रिटिश बंगाल को रूल करना स्टार्ट करते हैं दे स्टार्ट गेटिंग uh, दी दीवानी राइट्स रेवेन्यू राइट्स मिलते हैं फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी मिल जाते हैं एंड देन उसके बाद वो पूरे के पूरे इंडिया में स्प्रेड करते हैं एक एक करके पहले वो मैसूर स्टेट को डिफीट करते हैं फिर मराठास को डिफीट करते हैं फिर सिंध को डिफीट करते हैं फिर, फिर पंजाब को कंट्रोल करने लग जाते हैं एंड बाई एटीन हंड्रेड फिफ्टीज़ they almost had all of the India whole pan India basically uh, Pakistan and the Bangladesh of the day uh, included wo unke control mein tha theek hai ab aise samay mein approximately somewhere around approximately exactly in 1857 Britishers के अगेंस्ट एक मेजर रिवॉल्ट होता है ना there were uh, regional revolts before 1857 which were which are called as the dress rehearsal सी Britishers were exploitative of India okay इसमें कोई शक की बात नहीं है ये हम सब जानते ही है दे इज नो कंफ्यूजन और डिबेट अबाउट इट की उनकी जो पॉलिसीज थी इकॉनमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पॉलिसीज दे वर वेरी एक्सप्लोइटेटिव टू द इंडियंस अब वेन एवर एनी रूलिंग इलीट ऐसा कुछ करती है लोगों के साथ सो देर इज ऑलवेज अ पर्टिकुलर टाइम जब तक उसको बर्दाश्त किया जाता है बट आफ्टर अ वाइल बेसिकली बॉम्ब फटता ही फटता है जिसको यूजली रिबेलियन या रिवोल्ट के तौर पर वो होता है एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट इज बेसिकली हैपनिंग इन श्रीलंका बट श्रीलंका में यह है कि श्रीलंका में कोई फॉरन पावर रूल नहीं कर रही है रादर उनके ही रूलर्स ने थोड़ा सा बम अप कर दिया है एंड दे हैड बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसकी वजह से जो पेट्रोल था वो महंगा हो गया और ऑलमोस्ट एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया श्रीलंका का नाउ ऐसा नदन और सेंट्रल इंडिया में 1857 में एक बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था विच ऑलमोस्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम दे वर एबल टू सप्रेस इट लकीली बिकॉज नेचर ऑफ रिवोल्ट है वो हम पढ़ेंगे कैसे बट दे इट वॉज अ मेजर रिवोल्ट दिस रिवोल्ट इज सेवरल टाइम्स कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि इसके बाद एक फेज स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री में जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है ठीक है इंडियन नेशनल मूवमेंट उससे पहले उसकी जो नीव थी उसकी जो जेनेसिस था वो इन्हीं रिबिलियंस और जो ये रीजनल हैं उनमें देखने को मिलता है ठीक है नाउ इट बिगिंस विद म्यूटिनी ऑफ द सिपाही सिपाही कौन होता है सिपाही सिपाही इसकी स्पेलिंग सिपाही है बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी में उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आर्मी रखती थी उसको ब्रिटिश आर्मी कहते थे और उस ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस आल्सो एम्प्लॉय किए जाते थे उन इंडियंस ने जो कि सिपाही का काम करते थे जो कि सिपाही की जॉब करते थे ब्रिटिशर्स में उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था दे स्टार्टेड द रिवोल्ट यू हैव सीन द मूवी मंगल पांडे आपने देखी होगी अगर नहीं भी देखी होगी शायद कुछ तो जनरल पहचानते होंगे मंगल पांडे एक रेड कलर की ड्रेस पहनता है वो सिपाही था ब्रिटिश आर्मी के अंदर एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट इट उन्होंने उसने आ, उसकी पॉलिसी से ही वॉज डिस ने बंदूक उठाई और अपने ही ऑफिसर के ऊपर फायर कर दिया ही वॉज हैंग्ड फॉर दैट बट ही वॉज बेसिकली स्पार्क जिसकी वजह से वो पूरे की पूरी जो रिवोल्ट था वो डिसकंटेंट था वो पूरी की पूरी इंडियन आर, ब्रिटिश आर्मी उस समय में उसके अंदर फैल गया था ठीक है इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी ठीक है बट धीरे धीरे ये स्टार्ट सिपाहियों के साथ हुआ था बट और बड़े सारे से रीजन और जो सिविलियंस थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया पेजेंट्स ने 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 सोल्जर्स दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स मोर देन वन पॉइंट फाइव लैक्स पीपल डाइड यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द रिवोल्ट डेढ़ लाख से भी अधिक लोगों की डेथ हुई थी इस रिवोल्ट के अंदर बट इट वॉज सप्रेस लेटर ऑन तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड है कि लोग कुछ कहते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो सिपाही के डिसकंटेंट सिपाही लोग थे डिस्कंटेंट उसकी वजह से स्टार्ट हुआ था एंड देर वॉज नॉट अ मच प्रॉब्लम एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ट की वॉज 1857 फिफ्टी रिवोल, सेवन uh, रिवोल्ट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ सिपाही सिपाही डिसकंटेंट एंड देन यू आर गोइंग टू आंसर नो वाई सी इट वॉज बेसिकली ड्यू टू अक्यूमिलेटेड ग्रीव कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि उस समय देश को एडमिनिस्टर कर रही थी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उनका नेचर फॉरेन नेचर था वर फॉरेनर्स टू इंडिया दैट वाज द रीजन की वो अक्यूमुलेटेड ग्रेवाज ओवर द फ्रॉम लास्ट वन और टू डेकेड्स जो जो प्रॉब्लम आ रही थी इंडियंस को वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो गई वो स्पार्क सिपाहियों ने स्टार्ट किया और इमीजिएटली विद इन वन थ्री टू फोर मंथ्स ऑलमोस्ट होल नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया वॉज एनगल्फ इन अ रिवोल्ट वेयर पीपल वर रिबेलिंग अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स कम से कम एक सेंचुरी से उस समय राज कर रहे थे कॉन्कर कर रहे थे इंडिया को धीरे धीरे राइट एक एक रीजनल पावर्स को डिफीट करके तो डिसकंटेंट और हेटरेट उनके अगेंस्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था और वी हैव स्किप्ड चैप्टर ओके एक चैप्टर आता है कि एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन से पहले पहले विल डू दैट एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन से पहले पहले कौन कौन से रीजनल रिवोल्ट uh, हुए थे तो वो है होते रहते थे कहीं ना कहीं पर कुछ किसी ना किसी ने ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन uh, के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था बट एटीन फिफ्टी सेवन का जो स्कोप था जो एरिया uh, था वो बहुत ही ज्यादा था नंबर ऑफ पीपल वॉट तो इसीलिए हमें 1857 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है समझने के लिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सिमरिंग डिस्कटेंट ठीक है सिमरिंग पहले से क्या क्या प्रॉब्लम थी सो आइडिया इज सिंपल सत्तावन में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर जो था वो बिल्डअप करना स्टार्ट किया इंडिया में और अट्ठारह एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हंड्रेड इयर्स द ब्रिटिश एक मेजर रिवोल्ट हुआ विच वॉज स्पेसिफिकली उनके नेचर ऑफ रूल उनका जो कैरेक्टर था पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी वजह से हुआ था

पिछले तीस से अगर अठारह सौ सत्तावन से बीस से तीस साल पहले की बात हम पूरे का पूरा ओवर आर्किंगली करें तो सबसे पहले तो वो एक्सपेंशनिस्ट है दे आर ट्राइंग टू कांकर एज मेनी स्टेट्स इंडियन स्टेट्स इन टू द ब्रिटिश एम्पायर फर्स्ट थिंग दैट वॉज नॉट लाइक दिस इज जनरली नॉट लाइक बाई पीपल राइट सेकंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी द होल आइडिया वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया इट एज अ कॉलोनी तो उस इकॉनमिक एक्सप्लोइटेशन में वो प्रॉफिट कहां से जनरेट करेंगे इंडियन से एक्सप्लॉयट कौन होगा इंडियन होंगे और वो डिसकंटेंट धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता रहा वो ग्रीवास होते रहे सो so, इंडियन स्टेट्स के रूलर सिपाही जमींदार पेजेंट्स ट्रेडर्स आर्टिस पंडित मौलवी जो जो उनकी गलत पॉलिसी से अफेक्ट हुए थे

हैं एग्रेरियन राइट्स हुए हैं सिविल रिबेलियंस हुए हैं

1857 में एक रिवोल्ट हुआ है, रिवोल्ट है सिपाही जो थे ब्रिटिश आर्मी के उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के दे रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ऑफिसर बोले कि हम तुम्हारे लिए आज के बाद काम नहीं करेंगे दे उनको कई जगहों पर जेल कर दिया कई जगहों पर उनको गोली मार दी एंड इंडियंस के और जो स्पेसिफिकली ब्रिटिश आर्मी के लोग थे उनके बीच में कई जगह पर सेवरल बैटल्स हुई दैट इज वॉट द रिवोल्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन्होंने भारत की जो ट्रेडिशनल इकॉमी थी उसको completely destroy कर दिया। की वजह से जो ये आर्टिस और हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग थे उनके लिए कंप्लीट मिजरी आ चुकी थी उनके ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन रूलर्स और प्रिंसेस हुआ करते थे वो इनके पैटर्न हुआ करते थे बट ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ने उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और अदर टू

ब्रिटिशर्स करते थे तो उसकी वजह से जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट थे देवर एक्चुअली पुस्ट इन टू पॉवर्टी। इंडियन ट्रेड एंड द मर्केंटाइल क्लास वर वेलिबरेटली क्रिपल्ड बाई ब्रिटिश तो हमारे जो ट्रेडर्स थे हमारे जो बिजनेसमैन थे उनको बेसिकली क्रिपल कर दिया गया क्यों क्योंकि जब वो अपनी कुछ सामान को इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे तो वहां पे उनके ऊपर लगती थी हाई कस्टम ड्यूटीज ब्रिटिशर्स कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं लग रहा है फ्रीली एनीथिंग साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का जो इंपोर्ट था वो इंडिया में फ्री आ रहा है इंडिया में ब्रिटिश सामान बिकने लग रहा है इंडिया का खुद का नहीं बिक रहा है फ्री ट्रेड एंड रिफ्यूजल टू इंपोज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज अगेंस्ट दी मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन सिंपली किल्ड इंडियंस मैन्युफैक्चर और साथ ही साथ जमींदार्स जो कि उस समय हमारे देश में जो ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती है गांव में एक आदमी होता है वो जमींदार होता है बड़ी सारी सी जमीन उसके अंदर आती है तो गाँव के बहुत सारे लोगों को काम देता है उनके अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो स्पेसिफिकली उनके लैंड राइट्स के तो उनके लैंड राइट्स को रेगुलरली फॉरफिट कर दिया जाता था जब वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे ना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रेवेन्यू मांगते थे ब्रिटिशर्स नाइन बाय टेन बाय इलेवन का मतलब कि जब किसी लैंड पे जितना क्रॉप पैदा होता है उसका इलेवेंथ बाय टेंथ का हिस्सा हाउ टेल कि सौ किलो में से एटी नाइन और इट्स समथिंग मोर इट इज नाइन नाइन पॉइंट वन सौ so, किलो है तो 91 वन के जीज एज अ रेवेन्यू वो इन कैश और इन काइंड ब्रिटिशर्स लिया करते थे थिंक अबाउट हाउ इट इज नाइनटी परसेंट अगर आप अपनी इनकम का नाइनटी परसेंट इनकम टैक्स पे देने लग जाओ विल यू बी एंग्री गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट एक दो तो साल तक तो दे सकते हैं इट विल एक्चुअली ब्लो वन डे और दर सो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज ड so कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी पॉलिसीज थी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी कि जो भारत के जो लोग थे देवर एंग्री विथ दी दूसरा पॉलिटिकल ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि वो अपने प्लेजेस को ब्रोकन करते रहते थे ठीक है उनको अपनी पॉलिसी उनकी जो इंडियन प्रिंसेस थे उनके साथ उनके कोई भी जो कोई अग्रीमेंट साइन करते थे वो ब्रेक कर देते थे, थे और इनकी पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसीज लाइक कंट्रोल सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और जो, जो ब्रिटिशर्स थी ये ह्यूमिलिएट किया करती थी इंडियन रूलर्स को सो दीज वर पॉलिटिकल कॉजेज की जो रूलिंग क्लास थी दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स देन देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मतलब दे वर नॉट गवर्नमेंट दे वर दे ट्रेडिंग कंपनी दे वर करप्ट टू दी कोर करप्ट टू दी कोर इन द सेंस दे वर फुली ओनली फोकसिंग ऑन दी प्रॉफिट उनको प्रॉफिट बनाना था तो उसके बाद जब उनसे कोई काम करवाओ तो पैसा लगता है लॉट ऑफ रैमपेंट रैमपेंट करप्शन इन दंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर जो पुलिस थी ऑफिशियस थे जो छोटे उन्होंने कोर्ट्स बना दिए थे सबके सब जो थे वो इंडियंस के लिए बेसिकली डिसकंटेंट कंटिन्यू बना रहे थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सा रेसिस्ट था वेरी माइल्डली वो गोरा साहब था उसको लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा गोरा हूं एंड दे आर बीनीथ मी दे आर बीनीथ मी आई पुट इट वेरी माइल्डली बट द ब्रिटिशर्स यूज टू थिंक की वी आर बीनीथ दैन देर वॉज वन आट द रीजन की एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन का जो रिवोल्ट था उस समय वेन वी डिस्कस इट हम जब अकेडमिकली इसको स्टडी करते हैं सो देर आर सेवरल इवेंट विच आर हैच आर कंसिडर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग रीजन फॉर दी रिट उसमें अफगान वार्स होती हैं 1838 से 42 में पंजाब वार्स 45 से 49 में क्रीमियन वार्स बिल्कुल अपने जो से उससे एक uh, uh, क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली एक साल पहले ही क्रीमियन वार्स हो रही थी एंड नाउ द मेजर रीजन द डिस्कटेंट अमंग दिपाहीज सिपॉय राइट इट इन द इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इंडियंस भी एम्प्लॉयबल थे सिपाही के तौर पर ही थे Uh, उनको रेशियली uh, थोड़ा सा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था दैट वी एव ऑलरेडी सीन इन दैट स्पेसिफिकली जो कंपनी की आर्मी थी उसमें जो भारतीयों की जो कंडीशंस थी दे वर नॉट वेल देर वर समीजुडिस अगेंस्ट दैम बिकॉज अगेन रेसिज्म की वजह से उनके रिलीजियस बिलीफ्स को कई बार मजाक उड़ा दिया जाता था सी क्योंकि इंडिया के जो भी इंडियंस थे उनकी आर्मी में दे वर ओनली हिंदू एंड मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स वर क्रिश्चियंस दैट इज वाई यू आर से रिलीजियो सोशो रिलीजियो कॉजेज भी थे सो ऑल द ऑफिसर्स इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी वॉर द क्रिस्चंस एंड जितने भी उनके जो सोल्जर्स थे जो लोअर रैंक लोअर रैंक्स के ऊपर जो भी एम्प्लॉइज थे दे वर ऑल हिंदू एंड मुस्लिम तो यूजुअली जो जो रिलीजन के बीच में जो प्रिजुडिस थे वो आर्मी में भी धीरे के धीरे आने लग रहे थे लॉर्ड कैन की गवर्नमेंट 1856 में लॉर्ड के बाद जो नए गवर्नर जनरल आए थे उनका नाम है लॉर्ड कैन ही पास जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जिन्होंने ये कहा कि जितने भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी में उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो कहीं पर भी सर्व करेंगे जहां पर भी बेसिकली ब्रिटिश आर्मी चाहे ना दिस इज अ पर्टिकुलर कॉज क्योंकि इन 1850s दोनों हिंदू और मुस्लिम्स में एक रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था कि अगर कोई इंडिविजुअल समुद्र के पार चला जाता है समुद्र को ट्रैवल कर लेता है समुद्र के पार चला जाता है तो वो बेसिकली अ, अपना धर्म खो देता है ये रिलीजियस बिलीफ था सो so, अगर बंगाल आर्मी में जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है एटीन का उसको उसमें सारे सोल्जर्स को अंडरटेकिंग करनी पड़ती है कि वो कहीं पर भी सर्व करेंगे तो यूजुअली जब उनको कहीं पर भी क्योंकि अच्छा ब्रे, ब्रिटिश एम्पायर पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस समय फैला हुआ है सो so, वो ब्रिटिश आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को कहीं पर भी भेज देते थे म्यांमार भेज दिया अफ्रीका भेज दिया अफगानिस्तान भेज दिया सो दिस क्रॉसिंग ऑफ द माउंटेन्स एंड दिस क्रॉसिंग ऑफ द सी वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ सेवरल ऑफ द सोल्जर्स सिंपल लगता था कि अगर ऐसा किया जाता है मतलब इट वाज़ जो भी सोल्जर कहीं दूर किसी देश में सर्व करके आता था तो उसको गांव के अंदर बॉयकॉट kind of कर दिया जाता था तुम्हारा तो धर्म खत्म हो चुका है तो समथिंग लाइक एट दैट टाइम इट वाज 1850स दिस थिंग इंपॉर्टेंट टू एवरी वन इन दी सोसाइटी सोल्जर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थी अब सिपाही की जो सबसे पहले ये जो डिससेटिस्फेक्शन थी वो एक और बनी कि वो सिंध और पंजाब में फॉरेन सर्विसेज पे तो जाते थे परंतु उन्हें भत्ता नहीं मिलता था फॉरेन सर्विसेज भत्ता मतलब कि उन्हीं के साथ जो ब्रिटिश सिपाही हैं जब वो अपने लोकल जगह से कहीं और पर सर्व करते हैं तो उनको मिलता है बेसिकली फॉरन अलावेंस भत्ता मिलता है उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं इंडियंस फॉर नॉट गिवन दैट एंड इस वजह से पहले लड़ाइया भी हुई हैं रिवोल्ट्स हुए हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बंगाल में हुए थे 1764 यही अच्छा ओके अब यहाँ पे इस इस स्लाइड के अंदर जो ये चीज़ लिखी हुई है इसका हमें क्या करना है इसका हमें ये करना है कि ये एक ब्रिलियंस का क्वेश्चन है 1857 से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुए 1764 में बंगाल में 1806 में वेल्लोर में 1825 में बैरकपोर में और 1838 से बयालीस अफगान वार के ड्यूरिंग भी एट दैट टाइम आल्सो दे सम इंडियन सोल्जर्स जो है दे रिबिल्ड अगेंस्ट इट अच्छा आर्मी में कभी भी कोई सोल्जर अगर रिवोल्ट करता है चाहे वो सही हो या गलत हो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है उसको या तो जेल हो जाएगी सिपाही से निकाल दिया जाएगा उसको घोषित कर दिया जाता है ये इन सारे में सेम 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 एग्जैक्टली टू चीज हुई थी सिपाही थे काम करने से मना कर देते थे या किसी प्रकार का रिवोल्ट कर देते थे तो ब्रिटिशर्स उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे परमानेंटली दिस इज वोट पर सिर्फ और सिर्फ इस समय रट्टा लगाना है कि अठारह के रिवोल्ट से पहले पहले ब्रिटिश आर्मी दिस वॉज इट अच्छा यही है मेंस के क्वेश्चन अगर आता है रिलेटेड टू ऑफ द ब्रिटिश ऑफ ऑफ द रिवोल्ट 1857 ये चार स्लाइड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज सोशल रिलीजियस कॉजे एंड द आउटसाइड इवेंट्स ऑफ एट दैट टाइम एंड द डिसकंटेंट डिस्कटेंट ये करना पड़ेगा अब एक बार हम इसको देखते हैं स्पेक्ट्रम में ये जो सारा का सारा कंटेंट है कैसे दिया वो ट्राई टू रीड इट एक बार रीड करते हैं ओपन द स्पेक्ट्रम राइट नाउ इस समय आपके सामने स्पेक्ट्रम ही चल रही है सबसे पहले जो डिसकंटेंट का जो मेन रीजन था दैट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, की वजह से जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक uh, थी हमारी जिसमें पेजेंट्स आर्टिस हैंडीक्राफ्ट थे और इवन ट्रेडिशनल जमींदार्स और जो चीफ थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे इट वॉज अ एक्सप्लॉयटेशन पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर सो मोर देन फोर टू फाइव जनरेशन फॉर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इसके साथ साथ एक लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट्स जो थे उनकी जो लैंड थी वो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स को भी बेसिकली लूज होती जाती थी तो देवर एक्चुअली इन दी डेट वेन पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है रिबिलियन के रिवोल्ट की जब अगर सबसे पहले रिबिलियन और रिवोल्ट वो लोग करते हैं जिन्होंने सब कुछ खो हो दिया होता है बिकॉज वेन दे हैव लॉस्ट हैव लॉस्ट दे हैव

स्लाइड किया हुआ था देवर सबसे पहले रिवोल्ट किया था पुलिस पेटी ऑफिशियल्स लोअर लॉ कोर्ट्स ये करप्ट हो चुकी थी राधर ब्रिटिश ऑफिसियल ब्रिटिश ऑफिशियल लिखते हैं कि रिवोल्ट था कि पुलिस वर ए स्कर्ज स्कर्ज टू द पीपल उनके लिए नासूर बन गई थी देयर ऑपरेशन एंड एक्जैक्शन फ्रॉम वन ऑफ द चीफ ग्राउंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद आवर गवर्नमेंट ज दिस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल एटीन फिफ्टी सेवन के बाद जब उन्होंने खुद एनालाइज किया कि क्यों इंडियंस ने रिवोल्ट किया है द ब्रिटिश ऑफिशियल इज इट सेल्फ सेम की यार हमारी पुलिस इतनी करप्ट है हम लोगों को जीने ही नहीं दे रहे हैं देर ऑट दिस ना हो जुडिशियल सिस्टम जो था फ्टर सेवेंटीन हंड्रेड सेवेंटी थ्री ओके पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दूशन रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी है तो कहां से स्टार्ट होता है सेवनटीन हंड्रेड है, से स्टार्ट दर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकता बनती है इन सेवेंटी हंड्रेड सेवेंटी थ्री नाउ फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी थ्री ब्रिटिश स्टार्टेड चेंजिंग द न्यू काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम और जो ये नया जुडिशियल सिस्टम था यह इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ठीक है उन्होंने अपना यूरोपियन लीगल सिस्टम लाया Uh, उनको सॉल्व करने के लिए द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दैट जुडिशियल सिस्टम वॉज सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सके uh, और उसके लिए जो वो लॉ है उसको यूज कर सके एंड सो दैट नो इंडियंस विल बी एबल टू एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ इट अब ये जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था ये भारतीयों के लिए मुश्किल हो गई मिडिल क्लास अपर क्लासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली नॉर्थ जहां पर बेसिकली रिवोल्ट हुआ देवर हिट बाई देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम दीज एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जो हायर पोस्ट है आर्मी में भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी वहां पर सारे ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं ठीक है तो जो एक्चुअली में जैसे कि कुछ लोग थे जो कि इंडियंस थे और वो वेल टू डू थे मिडिल क्लास में थे दे दे कुड हैव अप्लाइड बट मतलब उस समय कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं सो कंप्लीट ओपन डिस्क्रिमिनेशन थी नहीं लेते तुमको बताओ क्या करोगे देर नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीवां रीडल एट दैट टाइम यही हो रहा था तो इंडियन स्टेट्स धीरे धीरे होती रही सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जाता रहा तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पोस्ट में जो अच्छे लोग थे वो इंडियंस तो जा ही नहीं सकते थे एंड एंडहेंस ब्रिटिश सुप्रेमेसी ऑल्सो स्पेसिफिकलीट टू द र्यून ऑफ पर्सन जो कि कल्चरल एक ट्रेडिंग कंपनी को जीरो इंटरेस्ट होता है कल्चर के अंदर दे है कोई स्टोन मेजन है वो कुछ बहुत अच्छी मूर्तिकार बना रहा है या कुछ हमारी आ, कुछ चित्रकारी कर रहा है या कुछ पेंटिंग करने लग रहा है कुछ कपड़ों से एसोसिएटेड आर्टिसन है ट्रेडिंग कंपनी डर अबाउट इट देवर नॉट द रूलर्स देवर जी एक्सप्ल ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये इंडियन रूलर्स इन्हीं रिलीजियस प्रीचर्स को सबको सपोर्ट किया करते थे बट जैसे ही रूलर्स भी डिस्प्लेस हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तो सबके सब प्रीचर्स सब पंडित मौलवी पूरा पूरा उनका फ्यूचर थ्रेटन हो चुका था दे व एक्चुअली काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग द डिस्कटेंट अमंग द पीपल देन यू के दिशे से फॉरन रूल हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है गेट वी आर डूइंग हमने अभी अभी रीजन uh, पढ़े हैं कि क्यों रिवोल्ट हुआ था एक्चुअली जस्ट रीडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या बताया अच्छा एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज योगे दूसरे वाला था इसका फॉरननेस ब्रिटिशर्स के साथ जो इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग या जो उनका एडियो सिंक्रिस दैट वॉज राइट देवर परपेचुअल फॉरनर्स इन दंट्री कोई सोशल लिंक नहीं था कोई कम्युनिकेशन नहीं था उनके और इंडियंस के बीच में दे हैड नो इंटरेस्ट द होल इंटरेस्ट वॉज दैट की गेट द प्रॉफिट सेटल इन यू सेटल इन यूके उनका पर्पस यही था तो वर नेवर मेंट टू स्टे हियर नन ऑफ द ब्रिटिशर्स एवर डिड ये सब गवर्नर जनरल यहां से 400-500 करोड़ रुपए कमाते थे और उसके बाद अपने जाके इंग्लैंड में जाके वहां पे बड़ी सी हजार एकड़ की एक, एक एस्टेट खरीद लेते थे आज तक जितने भी गवर्नर जनरल्स हम पढ़ते हैं इन सब की अगर आज फैमिली ट्रेस किया जाएगा ब्रिटेन डेट। दैट इज हाउ मच मनी दे लूटेड फ्रॉम द इंडिया फॉरन कॉन्कर से लेके बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश जितने भी फॉरन कॉन्र्स थे वो क्या करते थे

एक फीलिंग थी जनरली सोसाइटी के अंदर एंड दे थिंक दे आर सुपीरियर दे आर ट्रीटिंग डोंट बिलोंग ईर एट वॉज द फीलिंग दे डोट नॉट बिलोंग ईर अब ये जो पीरियड ऑफ डिस्कंटेंट था राइट दो डेकेड हैं डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है इसके साथ साथ देर वर सम सर्टेन इवेंट्स जिस जो कि पैरल हुए थे राइट right? हमने देखा ना आउटसाइड इवेंट्स में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया कंटेंट uh, में वो जो जो इवेंट्स थे उनसे जो ये यूरोपियन या ब्रिटिश सुप्रीमेसी इनविंसिबिलिटी की एक मिथ बनी हुई थी वी आर ब्रिटिश वी आर अनिफिटेड एवरीवियर इन दर्ल्ड हम तो चारों तरफ वी आर कूल दिस वॉज ब्रेकन दिस इनविंसिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्म्स वॉज ब्रोकन कैसे ब्रिटिशर्स को कई सारी सी डिफीट्स फेस uh, uh, करनी पड़ी थी पहले अफगान वॉर में फिर पंजाब वॉर्स में

Um, why are we trying to understand the impact of these wars? See whenever somebody revolts, nobody revolts because they're angry. When people revolt, they revolt because they know that they can do it. This line this is important. People do not revolt simply because they have desire to overthrow their rulers. Right now, even in all the countries of the world, there will be a certain section of people who believe, who do not like the rulers.

लॉर्ड डल हाउजी ने 1857 में अवध को एनेक्स किया था अवध में, तो so, में क्यों कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का जो एरिया इसमें से बहुत सारे से यहां पर रहने वाले बड़े सारे से सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में तो जब अवध को एनेक्स किया गया इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन बाई लॉर्ड डल देन जो सिपाही थे दे एक्चुअली हैड ए वेरी बैड फीलिंग तो उस समय पैन इंडिया फीलिंग नहीं थी सिपाहियों में कि इंडियन से बट उनके अंदर जो रीजनल फीलिंग थी देवर डेफिनेटली देर वो रीजनल और जो लोकल पेट्रोटिजन था वो था तो अवध को जब ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया तो अवध के ही जो सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में देवर क्वाइट नॉट हैपी विद इट और उसके बाद जब अवध को ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेते तो वहां पर टैक्स बढ़ा देते हैं अब यही अवध के सिपाही हैं जिनकी फैमिली है जो कि एक्स्ट्रा टैक्स अब डल हाउस ने Uh, जो अवध का एनेक्सेशन किया था वो इस एक्सक्यूज़ पर किया था कि द रूलर्स आर बेसिकली इन डल्जिंग इन मैल एडमिनिस्ट्रेशन तो जो तालुकदार हैं उनको अवध के जो नवाब जो रूलर्स हुआ करते थे उनके ऑपरेशन से बचाने के लिए अव एवर डिन चेंज एनीथिंग दो उसने किया था कॉमन मैन उसको अभी भी हायर लैंड रेवेन्यू पे करने पड़ रहे थे इंडियन पेजेंट्स और ओल्ड जमींदार जो थे उनकी जो जो लैंड्स थी दे वर लूजिंग दे व ब्रिटिशर्स बेसिकली टेकिंग कंट्रोल तो नवाब का एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने से जो फायदे बताए थे डलहौजी ने उसके होने के बजाय नुकसान ज्यादा हो गए जो भी लोग थे nobles, तो very, uh, British, ब्रिटिशर्स था उसके बेसिस पर इसके साथ साथ अवध के साथ साथ देर वर सर्टन अदर एनिकल ऑफ हम हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ डिड पॉलिसीज ऑफ डल लेट टू दिसकंटेंट एंड लेट टू दी रिवोल्ट एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन अगर ये क्वेश्चन आता दिस इज वट वी आर गोइंट टू डिस्कल हाउज एक पॉलिसी फॉलोर था वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट ही कॉलोनलिस्ट एंड डॉक्टरिनप्स के तहत तो उसने कई सारे जो इंडियन स्टेट्स थे उनको अनेक्स किया था देशन ऑफ दो इंडियन स्टेट्स एक्चुअली पीपल जिसमें अवध सबसे मेजर है एंड सम अदर नेटिव स्टेट्स ऑल्सो अब स्पेसिफिकली पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो थी ब्रिटिशर्स की वो कई सारी सी आ, सफर कर रही थी क्योंकि जो भी वो रिटर्न और ऑरल प्लेजेस देते थे या किसी भी इंडियन प्रिंसेस के साथ कोई ट्रीटी साइन करते थे दे यूज टू बैक ट्रैक जब भी उनको जरूरत पड़ती थी आ, वो स्टार्टअप करते थे फ्रेंड की तरह प्रोटेक्टर्स की तरह बट एवरी टाइम दे वॉन्टेड जो भी उनको जरूरत पड़ती थी एक्सपेंशन के तौर पर किसी बहाने से वो उसको अनेक्स कर लिया करते थे तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन स्पेसिफिकली नाना साहिब रानी झांसी और बहादुर शाह ये जो उस समय के इलीट थे प्रिंसेस थे इट मेड एन एनिमी ब्रिटिशर्स के ये एनिमी बन गए क्योंकि डलहाउजी की पॉलिसी जो एनिक्सेशन की थी वॉज नॉट पॉपुलर अमंग्स। नाना साहब वॉज सन ऑफ द बाजीराव टू द लास्ट पेशवा अब ब्रिटिशर्स ने उसको पेंशन देने से रिफ्यूज कर दिया था ठीक है जो कि बाजीराव टू को दिए जा रहे थे स स्पेसिफिकली उन्होंने इस बात पर रिवोल्ट भी कर दिया इसी के साथ साथ झांसी अब रानी झांसी के बारे में तो आपको स्पेसिफिकली पता हुआ कि जो रानी झांसी थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी विदाउट लिविंग इन एयर टू दी थ्रोन और डॉक्टर की जो पॉलिसी है what does it say? कि अगर कोई नेचुरल एयर नहीं है थ्रोन का तो ब्रिटिशर्स यूज टू अनेक्स इट सो so, ब्रिटिशर्स ने बोला क्योंकि झांसी के जो तखत का झांसी की जो गद्दी का कोई वारिश नहीं है तो हैंट दि रानी ऑफ झांसी रिवोल्टेड अगेंस्ट सो येक्सेशन ऑफ झांसी थी ये लक्ष्मी बाई को बेसिकली इन कर दिया वो चाहती थी कि उनके जो अडॉप्टेड सन है रानी लक्ष्मी बाई के ही शुड बिकम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बट ब्रिटिशर्स एक्चुअली रिफ्यूज स्पेसिफिकली झांसी के साथ झांसी के साथ साथ पैरली मुगल्स के साथ भी इशू चल रहा था ब्रिटिशर्स का 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि बहादुर शाह जफर जो कि इस समय मुगल राजा है जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसके बाद जो इसके एयर हैं, वो किंग नहीं कहलाएंगे दे विल नॉट बी कॉल्ड एज दर ऑफ द दे विल जस्ट बी कॉल्ड एज दियर प्रिंसेस नाउ दिस वॉज ऑब्वियसली एंड

कन्वर्ट पीपल इंडीड मेड वॉयलेंट एंड पब्लिक अटैक्स ऑन दिंदुजम एंड इस्लाम वो रिडिक्यूल करते थे डिनाउंस करते थे उनके कस्टम्स को ट्रेडिशन को पीपल पे और मिशनरीज को पुलिस प्रोटेक्शन मिलता था तो धीरे धीरे दिस क्रिएटेड ए गैप बिटवीन द ब्रिटिशर्स स्पेसिफिकली एक तो इलीटनेस की वजह से फॉरननेस की वजह से उनके रेशियल सुपिरियोरिटी की वजह से एंड ऑल्सो ड्यू टू द रिलीजन ऑल्सो एक्चुअल कन्वर्जन मेड बाय दम अपियर टू द पीपल एज लिविंग प्रूफ फॉर द्रेट ऑफ द रिलीजन और कई बार जो कन्वर्जन होती थी इससे जो भी मास्री देर थ्रेटेडली देवर थ्रेटेड अब ये था कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की इट यूज टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज ऑफिशियल्स और उनके एक्शन भी कुछ ऐसे होते थे राधर एटीन हंड्रेड फिफ्टीज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लॉ इन एक्ट किया विच एनेबल्ड अ कन्वर्ट टू क्रिस्टियनिटी टू इनहेरिट हिज एंसेस्टरल प्रॉपर्टी राइट right? क्योंकि उससे पहले मतलब अगर धर्म बदल देते थे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था तो टू इंप्रूव द कन्वर्जन रेशियो उन्होंने ये रूल भी पास कर दिया और गवर्नमेंट खर्चे पे खुद के खर्चे के ऊपर आर्मी में क्रिश्चियन प्रीस्ट और यानी कि जो चर्च होते छोटे उनको मेंटेन किया करती थी मिलिट्री इस बात को रिलीजियस ड्यूटी मानते थे ब्रिटिशर्स वाले जो थे कि मिशनरी प्रोपोगेंडा है और क्रिश्चियनिटी की जो इंस्ट्रक्शंस है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में और जेल्स में देनी भी चाहिए दिस क्रिएटेड सेंस ऑफ फियर अमंग्स द पीपल सो एक ये रिलीजन अलग भी कॉज बना डिस्कंट बढ़ने का अब देखो रिलीजन इज बाय नेचर ऑफ इट इज स्लाइटली कंजर्वेटिव तो जब किसी भी कंजर्वेटिव रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है पीपल एक्चुअली गेट थ्रेटेड इन सर्टेन वन वे और द अदर तो उन्हें लगा कि जो ये एलियन क्रिश्चियन गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पास कोई अधिकार नहीं है इट हैड नो राइट टू इंटरफियर और रिफॉर्म देर रिलीजन एंड कस्टम ना दिस अपना अब एक, एक इंटरेस्टिंगली पैराडॉक्सिकली बात करो देर आर सर्टन इल्स इन एवरी रिलीजन सो लेट से सती लीगलाइजेशन ऑफ विडो री रीमैरिज ठीक है ये दोनों के दोनों इल्स थे जो कि हिंदुइजम के अंदर थे नो ब्रिटिशर्सर द रूलिंग ट्राई टू रिमूव इट अब सती को अबॉलिश करने की कोशिश की गई विडो रीमैरिज को स्टार्ट करने की कोशिश की गई बट सोसाइटी यूजली रिफॉर्म से रिएक्ट करती है अगर रिफॉर्म इंटरनली आता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है अगर वो एक्सटर्नली आता है इट्स ऑलवेज यूजअली सीन एज ए थ्रेट वन इट कम्स टू रिलीजन तो सती और विडो रीमैरिज वुड एक्सेप्ट कि सर ये तो अच्छी चीज है होनी हुन, चाहिए थी बट इट वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स नाउ विच इज अ फाइन क्योंकि वो वेस्टर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे थे बट uh, उनका एक इनहेरेंट एजेंडा विदा टू प्रमोट दी क्रिस्टी एंड देवर फिगरिंग आउट की क्रिस्टियनिटी प्रमोट होगी कैसे वेस्टर्न एजुकेशन से ठीक है तो वेस्टर्न एजुकेशन को वो इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे थे रिलीजन को रिफॉर्म करेंगे हम हिंदुज इस्लाम को नो देवर डूइंग इट फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रिस्टियनिटी अब रिफॉर्म एज एड इंटरनली जब किसी सोसाइटी में आता है रिलीजियस रिफॉर्म इंटरनल सेम रिलीजन से ही इंटरनली जनरेट होता है तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है उसकी लेकिन जब एक्सटर्नल किसी और फॉरेन फॉरेन पावर या के द्वारा इंपोज किया जाता है इट थ्रेटन सो इवन दी अबॉलिशन ऑफ सती और विडो मैरिज गर्ल्स के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को ओपन करना इट वॉज इंटरप्रेटेड एज एन इंटरफियरेंस दे वर रिफॉर्म इफ़ अगर हम परस्पेक्टिव में देखें एंड इवन इंडियंस इवन इंडियन हिंदू एंड इंडियन मुस्लिम्स वर्ल्ड डू ट्राइंग टू इंटरनली रिफॉर्म दिस थिंग्स सती को बैन करने के लिए इंडियंस भी थे विडोरी मैरिज के लिए इंडियंस ने हेल्प की इंडियंस ने फोकस किया सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बट क्योंकि वो फाइनल जो रूल या जो लॉ रेगुलेशन थे वो आते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से सो दिस वाज एक्चुअली सीन बाय द इंडियंस एज द इंटरफेरेंस व्हिच बिकेम ये जो रिलीजियस सेंटीमेंट जब हर्ट होते हर्ट होते हैं ऑफिशियल पॉलिसीज की वजह से देन इट एक्चुअली क्रिएटेड डिसकंटेंट सो इन सारे रीजन के बाद जो रिवोल्ट ऑफ एटीन है वो स्टार्ट होता है म्यूटिनी से एक ठीक एक म्यूटिनी से विद्रोह से कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया अब स्पेसिफिकली देखते कि सिपाही जो कि आर्मी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं आर्मी मैन जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं दे आर सपोज टू देर दे आर डिफाइंड बाई देयर लॉयल्टी टू द आर्मी राइट दे आर डिफाइंड बाई देयर पेट्रियटिज्म तो जो वो डिवोटेड सर्विस के लिए जाने चाहते थे जिन्होंने पिछले 30-40 सालों में एक्चुअली में हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की टू कांकर द इंडिया सडनली वो कैसे रिबिलियस हो गए अब यहां पर दो वाली बात है सिपाही चाहे कोई भी हो चाहे लॉयल हो चाहे कितना भी पेट्रियोटिक हो सोसाइटी का पार्ट होता ही होता है एंड इस जो अभी तक हमने देखा कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उससे फाइनली इंडियन सोसाइटी ही इफेक्ट हो रही थी तो यस दे वर बाउंड बाय द लॉयल्टी बाउंड बाय द सर्विस आर्मी बट उसके बावजूद भी दे रूल है तो उनकी होप्साइटी सिपाहियों के भी वो सेम थे इट के नॉट एक्चुअली डिफरेंशियट वो दोनों के दोनों अलग नहीं हो सकते थे तो जब सिपाहियों के जो लोग है सिपाहियों के रिश्तेदार सिपाहियों के घर बार सिपाहियों के गांव है जब वो डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस ब्रिटिश रूल के गुजरते हैं ये सफरिंग बेसिकली उनको भी फील होती है दिस इज द रीजन सिपाही क्यों विद्रोह किया वाई डिड दे स्टार्ट इट राइट क्योंकि अगर देखा जाए यूजली पुलिस एंड आर्मी दे आर द लास्ट वन टू रिवोल्ट राइट क्योंकि दे आर डिफाइंड द द लॉयल्टी टू प्रोफेशन लॉयल्टी टू द सर्विस ये उनका डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है तो क्यों करते हैं अठारह सौ पचास के कॉन्टेक्ट में देखें तो जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा था दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी

started threat and hence ye jo christian propaganda tha sipahi ke dwara se this actually created a situation a reactionary uh, power reactionary source in the sipahi sipahi ke khud ke religious aur caste grievances the अब उन उस 1850 की बात कर रहे हैं हम आज के हम आजाद भारत की बात नहीं कर रहे हैं दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑब्जर्विंग कास्ट रूल्स मिलिट्री आयरॉनिकली फॉरबीड करती है सिपाही को अपने कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स थे बियर्ड्स या टर्बन या कोई भी जो रिलीजियस मार्क्स थे उनको पहनने के लिए सो डबल तरीके से बात कर रहे हैं मिलिट्री टेक्निकली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है बिकॉज दे आर देन से ठीक है बट वो जो सोसाइटी uh, के जो उस समय की सोसाइटी है वहां के, के जो कास्ट के सिंबल्स हैं या फिर वहां के जो इंडियंस के जो रिलीजन्स के सिंबल हैं वो फॉरवेड है

Tangential, वो उसके अंदर एडिशन कर रही थी उसके जो है वो ग्रीवां तो बिल्डअप होने ही होने लग रहे हैं साथ में द कास्ट इक्वेशन एंड द रिलीजियस इक्वेशन ऑफ दिपाही जो थी वो भी बेसिकली डिसकंटेंट के अंदर एडिशन कर रही है बेसिकली पूरे के पूरे वो जो भूचाल आने वाला है उसके अंदर बेसिकली मसाला एड किया जा रहा है राइट सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी सारे के सारे वेदर दे आर मॉरली करेक्ट और नॉट वो कौन कौन से इंसिडेंट थे तो सिपाही के जो ये सेंटीमेंट है भड़कते हैं और राधर उनके रिलीजियस बिलीफ के उस समय मैक्सिमम हिंदूज थे कि दे कुड नॉट ट्रेवल एंड लेड टू दॉस ऑफ द कास्ट तो अगर जैसे समुद्र की तरफ भी शिप में ट्रैवल करके कहीं और जाते थे अफगानिस्तान अफ्रीका चले गए परसिया चले गए म्यांमार चले गए सो so, जब वो वापस गांव आते थे दे व नॉट एक्सेप्टेड इन दोसाइटी क्योंकि उनका धर्म था या उनकी जात थी वो बेसिकली खो चुकी है को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था अंडरस्टैंड रूट सिचुएशन दे सोसाइटी ऑफ इंडिया उनके लिए उस समय वो कंप्लीट आर्मी था एंड दे अ कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी तो अगर ब्रिटिश आर्मी का जो सिपाही है जो ब्रिटिश सिपाही है जब वो समुद्र ट्रैवल कर सकता है तो इंडियन क्यों नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू धन बट वो इंडियन रिलीजियस बिलीफ को जो थे वो उनको काउंटर नहीं कर रहे थे एंड दिसर इन दिचुएशन सिपाही के बड़े सारे से थे अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस भी जॉब वाले ग्रीवेंसेस थे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको कंटेम्प्ट से ट्रीट किया करते थे तो लेकिन रेशियल सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट था सिंपल uh, uh, क्या नाम है रेसिज्म का वाला बात था ऑफिसर्स एंड मेन हैव नॉट बीन फ्रेंड बट रादर स्ट्रेंजेस टू द अदर सिपाही इज एन एस्टीम्ड इनफीरियर क्रिएचर उसको शब्दों से मतलब गाली वाली देके बात किया जाता था या फिर जार ऐसे बात करें तो

2022 से एक साल पहले की बात कर रहे हैं सिपाही चाहे कितना भी बढ़िया सोल्जर हो अपने ब्रिटिशर्स काउंटर पार्ट अपने ब्रिटिश सिपाही के बराबर के लेवल का उसके अंदर टैलेंट हो बराबर के लेवल का सिपाही हुई हो बट उसके बावजूद भी उसको ना उतने पैसे मिलते थे ना उसके कपड़े उतने अच्छे होते थे ना उसको सर्विस उतनी अच्छी मिलती थी ना उसको कंडीशन अपनी इतनी अच्छी मिलती थी ही हैड अ अ लिटिल प्रोस्पेक्ट फॉर राइज ऑल्सो ये वो ज्यादा से ज्यादा सूबेदार ये लेवल तक उसको प्रमोट करते थे के के ऊपर जो भी हायर थे थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। से सत्तर रुपए से अधिक उसकी कभी सैलरी जिंदगी में हो भी नहीं सकती थी तो सिपाही की जो लाइफ थी वो बेसिकली काफी ज़्यादा हार्ड थी एंड दीज द सिपाही इज नेवर एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी मिलिट्री जीनियस हो सकता था वो उसके बावजूद भी वो किसी ऑर्डिनरी इंग्लिश सिपाही के लेवल की भी बेसिकली नहीं अटेन कर सकता था चाहे वो तीस साल तक फुल एकदम लॉयल सोल्जर की तरह ब्रिटिश आर्मी की सेवा में लगा रहे दैट वॉज दिचुएशन हेंस दिस वाई जो सिपाही की जो डिसटिस्फैक्शन थी एक तो स्पेसिफिकली उनके रिलीजन से रिलेटेड थी ठीक है एक जो स्पेसिफिकली उनकी सर्विस कंडीशन से जिस इन्फीरियॉरिटी विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट इनसे एसोसिएटेड थी ये स्पेसिफिकली रीजन थी और एक इमीजिएट रीजन ये था कि उनको फॉरेन सर्विस अलावेंस तो बंगाल आर्मी में या अवध आर्मी में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो अलग अलग बटालियंस थी उनके लोगों को भेजा जा रहा है सिंध और पंजाब लेकिन उनको वहां पे सर्विस करनी है बट दे आर नॉट बीइंग पेड फॉरेन सर्विस अलाउंस बीड इज गिवन टू द ब्रिटिश वन गिवेट इज गिवन टू द ब्रिटिश वन सो सिंध में जाओ पंजाब में जाओ उनको नहीं मिले दिस रिजल्टेड इन अ बिग कट इन दैलरी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ नाउ रिमेंबर बी वेरी ऑनेस्ट विद इट किसी की सैलरी काटो ना वो बंदा खुश नहीं होता दिस हैड अ हिस्ट्री 1764 में एक ब्रिटिश एक बंगाल आर्मी में बेसिकली म्यूटिनी हो सकी थी 1806 सौ छः में वेल्लोर में हुई थी 1824 में द फोर्टी सेवंथ रेजिमेंट ऑफ सिपाहीज एट बराकपुर रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट अगेन अभी अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया ही है रेजिमेंट वॉज डिसबेंडेड अनआर्म्ड आर्म्ड मैन वर फायर्ड अपॉन बाई आर्टिलरी और जो सिपाहियों के लीडर थे वो हैंग कर दिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ब्रिटिशर्स जस्ट यूज टू रोड रोल दी म्यूटिनी और एनीथिंग डिसकंटेंट इस प्रकार से 1844 में सात बटालियंस ने रिवोल्ट कर दिया था सैलरी और भत्ता के बेसिस पर सिमिलरली जो सिपाही थे अफगानिस्तान में देवर एक्चुअली अफगान वॉर के समय में वो रिवोल्ट करने वाले थे दो सूबेदार एक मुस्लिम और एक हिंदू इट देवर शॉर्ट डेड जब उन्होंने डिसकंटेंट के बारे में बताया तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट थ्री डेकेट्स बिफोर एटीन थिंग्स एक्चुअली बिकेम वेरी बैड स्पेसिफिकली अब ये जो डिसलाइक था ब्रिटिशर्स के लिए वो फार एन वाइड था सबके अंदर बहुत ही बैठा हुआ था एंड दिस 1857 रिवोल्ट इज बेसिकली दलमिनेशन ऑफ दिस डिसकंटेंट जो कि अभी तक हमने देखा जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज और उनके जो इंपीरियल एक्सपेंशन थी उसका रिजल्ट था अचानक से नहीं हुआ, सो इज नॉट रैंडम अचानक से एक दिन लोग उठे उन्होंने ब्रिटिशर्स की कर दिया। जो हरकतें ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज वर एबल टू इट दे न्यू दिस वॉज कमिंग दे गेव वार्निंग्स क्लियर इंडिकेशन थी कि देयर इज स्ट्रॉ गैदरिंग एक तूफान आने वाला है एंड दे वर अवेलेबल मतलब इंटेलिजेंस इनपुट थे अवेलेबल इस बात के बट ऐसे बहुत सारी सी अपराइजिंग्स कहीं ना कहीं पर मतलब इट इज इन हिस्ट्री इट इज रिकॉर्डेड कच्छ रिबिलियन कोल अपराइजिंग संथाल अपराइजिंग ठीक है ये सारी की सारी ना वी हैव टू स्टडी देम ये मत हलवे इसको मत हल्के में मत लेना कि इसको चलते बस मैंशन करके चल देना वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम एक एक पे क्वेश्चन आ जाता है रातर प्रिलियंस में तो 1857 से ज्यादा इस पे इन कच्छ रिबिलियन या कोल अपराइजिंग पे आ, या संथाल अपराइजिंग के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है एटीन फिफ्टी सेवन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए ये छोटे वाले जो रिबिलियंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो दिस थिंग्स हैपन अब देखते हैं आज इमीडिएट उसके ऊपर बेसिस के ऊपर आ जाते हैं कि अचानक से रिवोल्ट किया उबाल लाने लग रहे हैं लेकिन अब रिवोल्ट होता है कि स्पेसिफिकली क्या होता है बारूद में आग कौन लगाता है कैसे लगता है ये जो डिसकंटेंट था पेंटअप डिसकंटेंट था इसको कॉन्सेंट्रेटेड होते होते समय लग गया नाउ स्पेसिफिकली 1857 में एक इशू हुआ हमारे जो सिपाही थे उनको एक नई प्रकार की राइफल इशू की गई थी बंदूक जो थी नई क्वालिटी नई आई थी और उसके अंदर बेसिकली जो गोलियां थी उन गोलियों को उस बंदूक में डालने से पहले ऐसे मुंह से बाइट करना पड़ता था सो यू टेक समथिंग एंड यू बाइट इट एंड देन यू पुट दैट अब ऐसा माना जाता है दिस इज वर्ड द थ्योरी और द कॉन्स्पिरसी थ्योरी इज दैट कि जो एक कार्ट्रेजे थे देवर ग्रीस्ड विद गाय और सुअर की चर्बी में चर्बी से बनते थे सो so जो बुलेट्स थी जैसे कि एक बुलेट है उसको गन के अंदर डालना है लेकिन उसको ऐसे मुंह से बाइट करके वो कुछ उतारना पड़ता है उनका कार्ट्रिज का जो ग्रीस होता है और उसके बाद वो उस गन पर डाला होता है एंड दिस ग्रीस दिस कार्ट्रिज वॉज स्पेसिफिकली मेड बाई फैट ऑफ काउ एंड पिग सी काउ इज एक्चुअली होली फॉर दिंदूज एंड मुस्लिम्स डू नॉट ईट पिग्स नॉट दिस स्पेसिफिकली एक्चुअली बिकेम द रीज़न मतलब तो, तो क्या कहते हैं पोर्क खाना इस्लाम में हराम होता है और काउज ऑब्वियसली एनिमल होली फॉर द हिंदूज़ तो ये दोनों के दोनों के लिए प्रॉब्लम था चाहे हिंदू सिपाही हो चाहे मुस्लिम सिपाही हो दिस दिस एनफील्ड राइ, राइफ एनफील्ड राइफ़ल है इसका नाम एनफील्ड राइफल है आर्मी में इंट्रोड्यूस की गई और इसके जो काट्रेज थे एक ग्रीस्ड पेपर कवर होता था उनके ऊपर जिसको ऐसे काट के राइफल के अंदर ऐड किया जाता था बीफ एंड दिग फैट दोनों हिंदू और मुस्लिम के लिए दिस वॉज एनरेजिंग। मतलब ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता नो बडी विल डू इट लेट्स बी वेरी ऑनस्ट अबाउट इट हियर सो गवर्नमेंट उनको लगा अच्छा उनको पहले से डर लग रहा है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वर्ट अस टू क्रिस्टियानिटी बिल्डअप देखो ना कैसे कन्फ्यूजन कॉन्स्परेसी कैसे बिल्डअप होती है सो वेदर दे हैड इंटेंशन ऑफ डूइंग इट और नॉट वी दैट इज simply सिंपली नॉट एक्सेसिबल टू द हिस्ट्री बट सिपाही जो है जिसको पहले से ही वो रिलीजन वाले इश्यूज़ हो रखे हैं उनको एक ऐसी बुलेट uh, या कार्टरेज को बाइट करने को मिल रहा है जिसमें बीफ और पिग फैट है सो वेदर इट इज हिंदू और वेदर इट इज मुस्लिम दिस इज अचुएशन विच इज एक्चुअली बट दिस इज द इमीडिएट कॉज तो कोई पूछे 1857 का इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल के जो कार्ट्रजिज थे दे वर मिक्स विद पिग एंड दाओ फैट That was तो ये जो बोन डस्ट मिलता है आटे में ऐसे अफवाहें फैली कि आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है एंड ये जो एनफील्ड राइफल थी एनफील्ड राइफल थी इससे सिपाहीज की जो डिसफेक्शन थी ये कंप्लीटली उतर गई ठीक है ये कार्टरेज वाला जो मुद्दा है इस बात को आप अंबला याद रखेगा रिवोल्ट स्टार्ट होता है स्पेसिफिकली मेरठ पे दिस इज वट इट ऑन द मेरठ नाव रिमेंबर आपको ये याद होगा मंगल पांडे के बारे में मंगल पांडे जो है उसको पहले ही एग्जिक्यूट किया जा चुका है क्योंकि मार्च में राइट right? मार्च में एग्जैक्टली exactly एक महीने बाद मेरठ में दिल्ली से अट्ठावन किलोमीटर दूर है मई दस अठारह सौ सत्तावन याद रखेंगे इस डेट को काफी महत्वपूर्ण डेट है भारत के इतिहास में भारत का पहले स्वतंत्रता का जो युद्ध था वॉर ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड ऑन देंथ मई 10th ऑफ 1857 स्पेसिफिकली मेरठ में कहां से स्टार्ट होता है मेरठ में एंड धीरे धीरे ये पंजाब में फैल गया नर्मदा साउथ में फैल गया बिहार में भी राजपूताना तक थोड़े राजस्थान के एरिया तक भेजा कहां पे होता है देखो ये मंगल पांडे अच्छा एक अच्छा ये रट्टा लगाने वाली बात है कि वो सिपाही था 34th नेटिव में ठीक है वेंट अ स्टेप फर्दर फायर्ड एट अ सार्जेंट मेजर ऑफिस यूनिट एट बैरकपोर इस मंगल पांडे को बेसिकली ऑब्वियसली इस बात के लिए पकड़ लिया गया था एंड देन ही वाज हैंगड बिकॉज़ ही एज अ सिपाही अगर तुम अपने सीनियर के ऊपर सार्जेंट मेजर के ऊपर फायर करोगे तो तुमने ट्रेजन कर दिया है उसके लिए कर दिया गया था साथ ही साथ 90 men of the 3rd native cavalry refused to accept the greased cartridges ठीक है ये 28 मार्च की बात है प्रॉक्सिमेटली मंगल पांडे का जो इवेंट है अप्रैल 24 को नब्बे लोगों ने नेटिव कैवलरी के, के जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये यूज करेंगे नहीं एनफील्ड वाले विच इज अगेन ये भी है इसमें भी कोर्ट मार्शल होगा सिपाहियों का मे नाइन को एटी फाइव ऑफ वर डिसमिस्ड सेंटेंस टू टेन इंप्रिजनमेंट एंड इन फैक्टर्स तो ये थर्ड नेटिव कैवलरी ये याद रखे ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन किया हिस्ट्री अब इसको ऐसी प्रकार से जानेगी इन्होंने बेसिकली क्या किया था 24 अप्रैल को बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कार्ट्रिजेस एंड नॉट फॉलोइंगली केस ऑफ द कोर्ट मार्शल इनको पकड़ा गया आर्मी कोर्ट लगी और पंद्रह दिन के अंदर अंदर बोल तुमने दस साल तक की जेल है और इनको बांध दिया दिस वॉज डन अब बरवा अब नहीं हो अब इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मई दस को इनके साथियों ने द रिलीज इन सारे सारे लोगों को रिलीज किया सारे के सारे ऑफिसर्स को मार दिया एंड दिस इज वट द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट इज जब थर्ड नेटिव कैवलरी भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थर्ड नेटिव कैवलरी के कुछ लोगों ने जब वो एनफील्ड कार्ट्रेजीज को यूज करने से मना कर दिया देवर इम्प्रेजेंट फॉर टेन ईयर्स नौ मई को उनको इम्प्रेजेंट किया था अगले दिन जो बाकी बचे हुए थे उन्होंने बोला ये बस बहुत हुआ उन्होंने जो भी ब्रिटिश दो वही मतलब आर्मी में पांच सिपाही होते हैं पंद्रह ऑफिसर्स होते हैं तो इन्होंने अपने सारे के सारे दोस्तों को छुड़ाया कि बहुत हुआ और सारे के सारे सीनियर को मार दिया दिस इज वेयर द रिवोल्ट एक्चुअली अब स्पेसिफिकली ये स्टार्ट हुआ था या कुछ केयरफुल या सीक्रेट कुछ मतलब इट वाज काइंड ऑफ प्लान राइट यूजुअली काइंड ऑफ रिबिलियन या जो रिवोल्ट होता है वो किसी ना किसी यूनिट किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी ग्रुप के द्वारा प्लान होता है ना दिस इज क्वेश्चन वेदर इट वॉज प्लान अब सब सवाल यह है आ, Uh, हमारे पास इंडियन हिस्ट्री तो नहीं लिखी हुई है इट इज ऑब्वियसली ओनली ऑन द रेड ऑफ द ब्रिटिश रेकर्ड्स सिर्फ ब्रिटिश की जो रिकॉर्ड्स हैं वही बचे हुए हैं रिबल्स के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है नथिंग वी डू नॉट नो हाउ दे फंक्शन हाउ दे डेट जो भी है हमारे पास ब्रिटिशर्स की तरफ से ही है ब्रिटिश रादर अठारह से लेके अगले चार पांच डेकेड तक तो रिवोल्ट का कोई ढंग का मेंशन भी बेसिकली वो नहीं करते थे so, जो भी है हमारे पास जो गवर्नमेंट so, हमें उनके अकॉर्डिंग देखना चाहता है।, so, है तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस मानता है कि जो रिवोल्ट था वो वाइड स्प्रेड तो था ही था साथ ही वेल well ऑर्गेनाइज था उसमें कुछ एनिकडोट देते, देते हैं कि uh, अंदर अंदर सिमरिंग डिसकंटेंट हो रहा था एंड देवर पीपल वर मतलब चपातियाँ एक शहर से गांव से दूसरे गांव भेजी जाती थी कमल कमल के फूल भेजे जाते थे विच वॉज काइंड ऑफ अ मैसेज इट वॉज काइंड ऑफ अ वे ठीक है चपातिया रेड लोटस प्रोपोगंडा था सन्यासी फकीर और मदारी इन लोगों के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव तक जैसे कि वो कमल के फूल हैं चपातिया काइंड ऑफ ए कॉन्स्परेसी थिंग चल रही है मतलब इज समथिंग सम प्लानिंग इज गोइंग ऑन राइट टू कलेक्ट की आज हम करेंगे एंड सम काइंड ऑफ का सेंट ऑफ द रेड लोटस की इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द ब्लड ब्रिटिशर्स का खून बहने वाला है समथिंग लाइक दैट

अब स्पेसिफिकली देयर आर सम राइटर्स वो कहते हैं कि देखो इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज मेजर एंड इट कुड हैव वाइप्ड आउट द ब्रिटिशर्स हाउएवर इट वाज नॉट प्लानड इट वाज स्पॉन्टेनियस मतलब uh, कोई एक तो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता हो कोई तो थ्योरी पता अगर कोई इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है जो कि छह महीने एक साल दो साल से चल रही है ऑर्गेनाइजेशन है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन के जो सोल्जर्स uh, हैं उन सबके बीच में कम्युनिकेशन हैज़ टू बी समथिंग दैट वी फाइंड आउट जो कि हमें एविडेंस दे सके देवर कनेक्टेड वन वे और एंड दर इज 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 एंड दॉन्स ऐसी कोई ऑर्गेनाइज कॉन्स्परेसी uh, नहीं है अब जब भी कोई इतना सुपर दो एक्सट्रीम व्यूज यूज होता है ट्रुथ सीम्स कि कोई ऑर्गेनाइज कॉन्स्परेसी तो नहीं थी इट इज हाईली अनलाइकली कि इट वॉज प्लैंड बाय समवन बट उसके बावजूद रिवोल्ट एक्सीडेंटली ब्रोकआउट हुआ बाय देन देर वॉज सम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व देर वॉज जो डिसकंटेंट था उसको एक फॉर्मेशन मिल रही थी प्रॉबली इफ इट वुड हैव एक्चुअली फॉर्म इट वुड हैव गॉन फर्दर बट रिवोल्ट पहले से ही फट गया That is what the scene. Revolt Meerut में हुआ, ठीक है? 10 मई 1857. Okay, we know that. And then North India में फैल गया, Punjab uh, में, Narmada, Bihar, Rajputana. We just need to understand the expanse, the uh, geographical expanse of the revolt. South में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, Northeast East में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है? Uh, Mangal Pandey उससे पहले ही Barrackpur में martyr बन चुका था. Uh, 29 मार्च को इनको फांसी दे दी गई थी क्यों इन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया था एंड ऐसे कुछ कुछ माइनर इंसिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम होने लग रहे थे और जब ये मैंने अभी अभी बताया कि थर्ड नेटिव कैवलरी के 24 अप्रैल को 90 लोगों ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू तो यूज दी दार्ट्रेजिज उनको पकड़ा गया जेल में किया गया मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी कि दस साल तक आपको सजा आपने बात करने से मना कर दी 85 फाइव ऑफ दम वर डिसमिस्ड सेंटेंस टू 10 ईयर्स इससे म्यूटिनी स्टार्ट हुई दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई द म्यूटिनी स्टार्टेड सिंपल प्रॉब्लम आज के बाद तुम्हें हमेशा पता रहेगा ओके नाउ इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज नाउट इमेजिन जस्ट लेट्स गो हंड्रेड फिफ्टी सेवन नाउ दस मई अठारह सौ सतावन को भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया मेरठ में ठीक है वाई डू वी कीप ऑन सेइंग ये थोड़ा सा क्या नाम है दिल्ली के पास है दिल्ली के पास है हर जगह जब भी देखोगे मेरठ का रेफरेंस आएगा रिवोल्ट uh, में बोलोगे दिल्ली के पास द रीज़न इज़ दैट कि दोज पीपल वो रात को जब अपने ऑफिसर्स को किल कर देते हैं द रीच डेली इन द मॉर्निंग डेली इज द सीट ऑफ द मुगल एम्प्रर ठीक है सो वेरी नेक्स्ट डे सारे के सारे वो अपने सिपाहियों को अपने दोस्तों को छुड़ाते हैं एंड

बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और उसे घोषित कर देते हैं कि दिस इज दर ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑन बी नो ब्रिटिशर्स एनी मोर वी वी आर आर डन विद विद दिल्ली सून टू बिकम ऑफ द रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स सिंबल बट रिमेंबर सिंबल नॉट द लीडर दिस इज नेसेसरी यहाँ पे सिंबल जान के लिखा गया है लीडर नहीं लिखा है इसको यहाँ पे ही इज द सिंबल ये मुगल किंग को अचानक से सिंबल बना दिया गया इट इज बेसिकली अ मैसेज अबाउट द लेगेसी रेक ऑफ द फैक्ट कि जो मुगल डायनेस्टी थी क्योंकि उन्होंने 300 साल तक भारत के ऊपर राज राज किया था, इन, इन सब के राज किया था था इंडियन के ऊपर ही दे वर द लास्ट रेनिंग सिंबल ऑफ द इंडियाज पॉलिटिकल यूनिटी तो सोल्जर्स को लगा कि कहीं ना कहीं दिल में मानते थे कि यही है हमारा एम्पर एंड दे वेंट टू हिम अब सिपाही ने क्योंकि उन्होंने जाके सोल्जर्स ने म्यूटी नहीं की थी नॉर्मल सिचुएशन है एक uh, maybe, की एक यूनिट है उन्होंने म्यूट नहीं किया उन्होंने बट वेन देयर बहादुर शाहर एजेंट नाउ इट इज ए रेवल्यूशनरी जितने भी इंडियन चीफ ने पार्ट किया था उन्होंने, उन्होंने एकदम जल्दबाज एकदम इमीजिएटली बहादुर शाह जफर को बेसिकली मुगल एम्पर घोषित कर दिया था कि ये भारत के एम्पर यही है बंगाल आर्मी उसके बाद रिजल्ट इन द रिवोल्ट अवध रोहिलखंड दोआब बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया बिहार ईस्ट पंजाब ये सारे के सारे ब्रिटिश उत्तर रिमेंबर दिस सौ सत्तावन का रिवोल्ट कहां कहां पर हुआ वी हैव टू फोकस ऑन दिस अवध रोहिलखंड दोआब बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया इन मैनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे जो रूलर्स थे दे रिमेन ऑब्वियसली लॉयल टू द ब्रिटिश बट सोल्जर्स रिवोल्ट कर रहे थे अगेन क्या मैंने बताया

एक तो ये जोग्राफिकल एरिया हो गया ऑल दर्ट एक्सपेंस जो एक्सपेंस जहां जहां पर रिवोल्ट हुआ एंड द डेप्थ डेप्थ का मतलब ये होता है कि किन किन लोगों में थे सिर्फ सिपाही रिवोल्ट कर रहे थे नहीं आर्टिसंस सिविलियंस आर्टिस पेजेंट्स दे वर इन्वॉल्विंग इन द रिवोल्ट ठीक है सिपाही ने ब्रिटिश अथॉरिटी को डिस्टो, जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो कॉमन कॉमन नहीं कॉमन कॉमन मेरे अंदर से हरियाणा में निकल जाता है कभी कभी बोलते हुए कॉमन तो जो कॉमन पीपल थे वो दे आर ऑफ्टन फाइटिंग विद स्पीयर्स एंड एक्सिज बोज एंड एरो लाठिया जो मिला उन जो मिला डंडे मिला लो हथियार उठा लो भाले उठा लो लाठिया उठा लो उनसे बेसिकली ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट कर दिया और कई जगह पर तो सिविलियंस ने ही रिवोल्ट कर दिया चाहे सिपाही वहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे एंड दिस रिवोल्ट एक्चुअली बिकेम अ अ पॉपुलर रिवोल्ट इट नॉट म्यूटिनी अलर मास रिवोल्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द पीपल पेजेंट्स जमींदार्स जी तो जो भी गरीबांसिस थे उनको उन्होंने एक्सेस दिया तो अब अच्छा रि रिवोल्ट में किया क्या करते थे जो ब्रिटिश कोर्ट्स थी जो उनके रेवेन्यू ऑफिसर्स थे तहसील थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे थानास थे उनके ऊपर अटैक करते थे नाउ देयर इज अ वेरी लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज इन रिवोल्ट गोइंग ऑन रिबेलियन गोइंग ऑन काइंड ऑफ इन श्रीलंका राइट नाउ तो श्रीलंका के जो लो, कॉमन लोग उन्होंने क्या किया प्रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर अटैक कर दिया वहां पे जाके उनके स्विमिंग पूल में नहाने लग गए कुर्सी में उनके बेड पर खेलने लग गए एज जो सोशल मीडिया में कई बार जो वीडियोज आते हैं दिस इज वॉट हैपन रिवोल्ट हुआ तो वहां पे लोग हैं गांव के सिविलियन लोग हैं नाउ एवरीथिंग इज़ थी ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया जा चुका है मारो इनको पकड़ के एंड इट गोइंग ऑन ना हो रिवोल्ट की ग्रेविटी देखो मोर देन 1.5 मेन डाइड 1.5 पॉइंट मेन डाइड इन दिस इन दिस रिवोल्ट उसमें से एक लाख से अधिक सिविलियंस थे मतलब आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या सिर्फ सिपाही रिवोल्ट कर रहे थे नहीं डेढ़ लाख में से एक लाख सिविलियन अ पीरियड ऑफ वन ईयर रिवोल्ट का जो पीरियड है लोग राइज नहीं किए कई जगह पर वो रिबेल्स के साथ थे ओके कई जगह पर नहीं भी करते हैं ऑब्वियसली इट डाइक दट तो कई जगह बट सिंप थी इंडियन लाइड विद्स इट एक्चुअली डेड कई बार वो उनको ब्रिटिशर्स को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते थे वो जो मूवी में जोक होता है ना क्योंकि वो कहाँ गया भाग के वो लेफ्ट गया है तो ब्रिटिशर्स आते कहाँ गए रिबिलियन इस वाली गली से निकल गए हैं समथिंग समथिंग दे यूज टू ट्रिक इन वन वे और अदर एंड ब्रिटिश दिस वॉज ए पॉपुलर रिवोल्ट इस बात का एग्जाम्पल ये है वाई Uh, it's a question okay uh, why are we doing it because there is there is going to be a question to you the nature of the you have to analyze the nature of the revolt of 1857 why because there will be someone who will actually claim that it was a sipahi mutiny you actually have to prove that to that person that it was not a sipahi mutiny it was a popular revolt how would you, how would you prove it through these arguments स्वीप ब्रेथ लोग कौन कौन से इन्वॉल्व थे लॉ कोर्ट्स रेवेन्यू ऑफिसर्स इनके ऊपर अटैक थे सिविलियंस की कितनी सारी डेथ हुई थी इवन रिबिलियंस जहाँ पे रिबिल नहीं भी हो रहा था वहां पर भी लोग हेल्प कर रहे थे राधर ब्रिटिशर्स ने जब इसको क्रश किया किस तरीके से क्रश किया दैट इज एन एविडेंस इन इट सेल्फ की इट वॉज अ पॉपुलर रिवोल्ट राधर देन म्यूटे इट वॉज अ पॉपुलर रिवोल्ट भाई पीपल ऑफ दिल्ली अवध नॉर्थ वेस्टर्न दे इन लोगों के अगेंस्ट सिविलियंस के अगेंस्ट भी बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बेसिकली विग्रस और अगली रूदलेस वॉर स्टार्ट की थी अगले एक साल तक ठीक है लोगों को उन्होंने धमकाने की कोशिश की पब्लिक हैंगिंग्स और एग्जीक्यूशंस की बिना ट्रायल्स के तो दिस इज वॉट एन एग्जाम्पल एंड द एविडेंस ऑफ हाउ डीप द बेसिकली दिस रिवोल्ट वॉज दिस इज वॉट इट इज सो दिस वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवोल्ट ठीक है अभी हमें दो चीज़ें और पढ़नी ज़रूरी है लीडर्स कौन थे रिवोल्ट के ओके रानी झांसी तांता टोपे नाना साहेब ऑल दिस पीपल वर दे एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड की देन इट फेल्ड इट डिड फेल विद इन वन ईयर ब्रिटिशर्स वर एबल टू कैप्चर वट एवर दे हैड लॉस्ट वट वर द रीजन फॉर इट दैट वुड बी डन टमोरो ओके एंड बिफोर आई गो आई शैल एक्चुअली रिमाइंड यू कि हम सारी की सारी पूरी की पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट ऑन स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म हमारे पास एक लाइव फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रिलिम्स और मेंस की आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स एंड मेंस कैन बी कवर्ड इट्स अ वेरी सिंपल इट्स अ वेरी इजी वे टू डू इट यू जस्ट हैव टू गो टू द स्टडी आईक्यू यूज द कोड अमित लाइव क्योंकि एज आई शो एज आई विल शो यू अगेन द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि समटाइम्स सम ऑफ यू माइट एक्चुअली गो टू दैट प्लेस एंड आपको लगेगा कि सर ये तो पच्चीस हज़ार पाँच सौ रुपये का है नो वेन यू बाय द कोर्स यू एड द अमित लाइफ सो दैट यू डोंट हैव टू पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रदर इट इज ओनली फॉर द एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन राइट दैट इज वट इट इज़ कोड यूज़ करना अमित लाइफ द बैच हैज़ बिगन ओके द बच हैज़ बिगिन हैवर द क्लासेज आर स्टिल अवेलेबल जो मिस की होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं आपके पास सो डू नॉट मिस इट i shall see you in the classroom. we will do ancient and medieval india and obviously modern india also. you need the pdf of uh, modern indian history. NCRT, old NCRT, Womania vwe is telegram channel keeper, share kiya. so you can get that. if you have any other questions, i'm also available on this instagram handle. i'll see you tomorrow. let us see how the revolt of the 1857 ended. hello. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी क्लासेस के बारे में सुशांत सर का वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा है सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं और सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी मेरी मेंटर मिस्टर ओम नारायण सर के बारे में जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं मेरी इस जर्नी में अब तक और किसी भी तरीके का डाउट चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो ऑप्शनल से रिलेटेड हो या मैं डीमोटिवेट महसूस कर रही हूँ उस कंडीशन में भी वो अपना पूरा सपोर्ट रखते हैं मेरे साथ सो स्टडी आई क्यू थैंक यू आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल